सब्सक्राइब कीजिए मेरे टाइम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मील टाइम किचन। आज हम बनाएंगे खीर। खीर तो कई तरह की बनती है, साबूदाना की खीर, सेवियाँ की खीर, चावल की खीर, सूजी की खीर, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली खीर है वो है चावल की खीर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 लीटर दूध लिया है, 1 छोटी कटोरी टुकड़ा चावल लिया है। हम दूध को उबाल लेंगे। दूध उबालने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल डालकर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसकी गांठ ना बने, और इसमें हम छोटी इलायची कूटकर डाल देंगे। अब इसे हम बीच बीच में हिलाते जाएंगे ताकि इसमें गांठे ना आए। मेरे पास यहाँ केसर है, मैं थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। मुझे यहाँ पर दूध थोड़ा सा कम लगा तो मैं थोड़ा दूध और ऐड कर रही हूँ। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, अब हम इसमें चीनी डालकर इसको फिर से अच्छे मिला लेंगे। अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक फिर से छोड़ देंगे। 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसे गर्म भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे ठंडा करके सर्व कर रही हूँ। अब हम इसकी गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर कोकोनट ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करा हुआ कोकोनट इसमें डालूंगी, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़े से बादाम। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डालें, आपको जैसे पसंद है वैसे ही खाएं। तो हमारी ये स्वादिष्ट खीर बनकर तैयार है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया, आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।